Guys, welcome to VAngel. My name is Bhavna. Those who are watching me for the first time, I would like to tell you that there are different segments in my channel. So some segments cover my daughter's routine, my daughter's milestone, or you can say baby's milestone, from the day they were born to the age they acquire, like 6 months, 10 months. What are the milestones you need to pay attention to? And how to raise your child, how to train them in a good manner, how to teach them etiquettes, how to teach them English or any language, and my lifestyle, my home term, my makeup essentials, my day-to-day routine, my baby outing, or anything which is related to me, my daughter, my lifestyle, everything. And we have a special segment called a palsy. So those who are not aware of this, I would just like to take 1 minute of your life to introduce this term to you. Maybe it's not beneficial for you. Maybe you're thinking we don't need this thing. But information, if you have certain information about this thing, maybe it will help someone else in your surrounding or in your relatives or anyone, right? So Erb's palsy is a condition which arises when the baby is not able to come out by themselves, then an excessive force is applied to their shoulder, where the nerves are going from your brain to your arm, and at that time some of the nerves get toned or stretched. It results in paralyzing the arm. So maybe it's partially paralyzed, maybe it's completely paralyzed. It depends on the stretch which is applied, right? So स्टार्टिंग में किसी बच्चे का रिस्ट मूवमेंट होता है, किसी बच्चे का फिंगर मूवमेंट होता है, एंड किसी बच्चे का थोड़ा बहुत हाथ हिल रहा होता है, किसी किसी बच्चे का बिल्कुल नहीं हिल रहा होता है. तो जो लोग मुझसे इस पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि मैंने पहले भी वीडियोस पब्लिश करी हैं इस पर. और मेरा मोटो है कि हमने स्टार्टिंग में ही अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है टू सर्च फॉर द राइट डॉक्टर्स, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे डायग्नोज करना है, क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि गूगल पे आज के टाइम में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट मेडिकल टर्म्स इतनी सारी हो जाती हैं कि हम एज लेमेन हम नहीं समझ पाते. और जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है. और उसके बाद एक ऐसा मेडिकल टर्म हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और गूगल इतना क्लैरिटी नहीं देता है. मे बी जो लोग एजुकेटेड हैं उनको अच्छे से पता चल जाता है कि अच्छा ये है, फिर भी बहुत जगह पे अटकते हैं. हम बहुत जगह पे अटके हैं. जो रूरल एरियाज में हैं, जिनको नहीं है इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, वो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा. तो मेरा मेन मोटो है कि मैं ये सेगमेंट में उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जिनके बच्चे इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं. अगर आपको अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है जिसको ये सिम्टम्स है, जिसका बर्थ के टाइम के बाद हाँ आम थोड़ा सा पैरालाइज है, वो नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ आप उनको ये टर्म इंट्रोड्यूस कराएं. आप सिम्टम्स देखें कि ये सिम्टम्स हैं कि नहीं, भगवान ना करे ये सिम्टम्स हो, लेकिन अगर होते हैं तो प्लीज़ आप उनको बोलिए कि अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं. और इस सेगमेंट में मैं यही बता रही हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को 0% से 85% तक रिकवर कर लिया है. क्या किया है मैंने, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं. मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है पाल्सी और हम किस तरीके से उसे डायग्नोज कर सकते हैं. आगे की वीडियोस में मैं यही बताऊंगी कि हम कैसे कैसे उसे डायग्नोज कर सकते हैं. ये एक वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, जिनका मैं नहीं आंसर कर पा रही थी. आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं 11 महीने से कुछ वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो मेरी बेटी पे था. अभी वो अच्छे से रिकवर कर रही है, तो मैं आप लोग को हेल्प करना चाहती हूँ. जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. सो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, मैं डेफिनेटली आपको कॉल बैक करूंगी वहां से. बट मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर नहीं दे सकती, आप भी प्लीज अपना नंबर यहाँ पे मत दीजिएगा. थैंक्स यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, आई हैव रीच 400 प्लस सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो वेरी मच. आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन दिस, वॉन्ट टू हेल्प यू ऑन दिस. एंड